हेलो फ्रेंड्स, एंजल रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी जर्सी का कपड़ा जिसपे हम बहुत सारी सुई ट्राई करते हैं, 11 नंबर की, 12 नंबर की या 16 नंबर की लगा के फिर भी हमारे कपड़े में सिलाई छूट जाती है। तो इसको किस तरह सिलाई करना है मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है और एक अच्छी ट्रिक भी है। तो चलिए हम करते हैं जर्सी के कपड़े की सिलाई। देखिए, हमने जर्सी का कपड़ा लिया है जो खींचने पर इस तरह से होता है, तो हम इसमें सिलाई करते हैं तो इस तरह से हमारी सिलाई आती है। हमारा धागा बहुत सारा छूट जाता है तो फिनिशिंग भी नहीं आती है। देखिए, मैं आपको इस तरह से करके बताती हूँ। यहाँ हमने 11 नंबर की सुई ली है, फिर भी हमारा धागा इसी तरह आ रहा है। कोई भी सुई लो, मशीन में इसी तरह से धागा आता है, तो हमें एक ट्रिक यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारी सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से आएगी। देखिए, मैं फिर से आपको बताऊँगी। देखिए कितना धागा छूट रहा है, कोई भी फिनिशिंग नहीं है। इस तरह से हम सिलाई करेंगे तो हमारा कपड़ा भी खराब हो जाएगा। इसको एक में खींचने से पूरा निकल जाता है। सबसे पहले हमें कोई पेपर लेना है, रद्दी कोई भी पेपर। इस तरह से हमें पट्टियाँ काटनी है और हमें जहाँ पे सिलाई लगानी है इसके ऊपर रख के इसको हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब सबसे पहले बड़ी सिलाई लगाएंगे। देखिए, मैंने बड़ी सिलाई लगाई है और कितना जल्दी से हो रहा है मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैंने बड़ी सिलाई ली है, फिर भी कितनी फिनिशिंग से आई है। कागज़ में निकाल के बताती हूँ आपको। ये देखिए, पेपर भी निकाल दिया है। अब मैं दूसरी बार फिर से बताती हूँ। अगर हमें किनोर पे सिलाई लगानी है तो इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी सिलाई, ये वाली बड़ी सिलाई, ये भी इसको फोल्ड करके हमने किया है। देखिए, मैं आपको बताऊंगी पेपर को हटा के। ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी बारीक सिलाई। हमारी बारीक सिलाई भी सेम ऐसे है। ये देखिए इस तरह, अगर पेपर नहीं हटता है तो हम जिस टाइम धोएंगे उस टाइम गल के अपने आप निकल जाएगा।